हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कशन किया था सॉल्यूशन के बारे में, और बाद में फिर हमने देखा था कि सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यूनिट्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। फर्दर जो सॉल्यूशन था दैट इज़ एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग हमने मिक्सचर देखा, बाद में मिक्सचर के जो कंपोजिशन के बेसिस पे उसको हमने क्लासिफाइड किया, तो उसमें होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर थे। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन आ गया। जो सॉल्यूशन था वहाँ पे पार्टिकल्स हम नेक्ड आइज से ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते थे, ठीक, क्योंकि उसकी साइज़ क्या होती थी सॉल्यूट पार्टिकल्स की, एकदम स्मॉलर थी। आज हम बात करेंगे हेटरोजीनियस मिक्सचर्स के, जिसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जो फर्स्ट वन है दैट इज सस्पेंशन, एंड द सेकेंड वन इज़ कोलाइडल सोल्यूशन। तो सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन, या फिर कोलाइडल सोल्यूशन को ही कोलाइड्स बोलते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक, और दोनों है तो होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेटरोजीनियस मिक्सचर है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम सस्पेंशन, कि सबसे पहले जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन होता क्या है, सस्पेंशन किसको बोलेंगे। आपने सॉल्यूशन के अंदर क्या पढ़ा था, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर था। जो सस्पेंशन है दैट इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर, इट इज हेटरोजीनियस, इट इज हेटरोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, हेटरोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे होमोजीनियस बोला था सॉल्यूशन के केस में, फिर उसके कंपोनेंट्स देखे कि उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स था। तो यहाँ पे भी जो सस्पेंशन है वहाँ पे दो ही कंपोनेंट्स होंगे, टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स शुड बी सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड मीडियम। ये जो दो हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसके लिए, दैट इज फॉर सस्पेंशन। अब सस्पेंशन होगा क्या, कैसे हम बोलेंगे कि ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन के केस में अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं सॉइल एंड वाटर, ठीक। तो होगा क्या, यहाँ पे अगर हम वाटर कंसिडर करें, वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। सस्पेंडेड होंगे मतलब मूव कर सकते हैं, एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय नेक्ड आइज। हम नेक्ड आइज से क्या करते हैं, सॉइल के, सॉइल और वाटर को अगर मिक्स करें तो सॉइल के पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। और यहाँ पे जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज मोर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से साइज की पार्टिकल क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम उसको देख सकते हैं, ठीक। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसको हम अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखें, अनडिस्टर्ब कंडीशन मतलब उसको हमें टच नहीं करना, उसको हमें मूव नहीं करना, उसको शेक नहीं करना है, उसको अगर ऐसे ही रखें, तो आफ्टर सम टाइम जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। कहने का मतलब ये, यही कंडीशन अगर आफ्टर सम टाइम अनडिस्टर्ब कंडीशन में अगर उसको रखें, तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि इन पार्टिकल्स की साइज़ कैसी है, बड़ी है, हम नेक्ड आइज से उसको देख सकते हैं। सो दैट इज़ अबाउट सस्पेंशन। नेक्स्ट,
जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। सॉल्यूशन के केस में हमने प्रॉपर्टी देखा था ना, वैसे ही सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होगी। तो सस्पेंशन के केस में पहला पॉइंट जो आएगा, प्रॉपर्टीज़ भी नोट डाउन कर लेते हैं इसकी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये तुमने डेफिनेशन में भी देख लिया। ओके, सेकेंड वन, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से पार्टिकल की साइज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर ये मैं बोलूँ 100 नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, देखो 100 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। कैसे 7 आएगा, ए पावर एम, मैथ्स का फॉर्मूला, ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू होता है ए पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस 9 तो दैट इज इक्वल टू 10, 2 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर। ओके, इतना आएगा। तो 100 नैनोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, ये भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। थर्ड कंडीशन, पार्टिकल की साइज़ ज़्यादा है, इसके लिए उसे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं नेक्ड आई से। दीज पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज, ठीक, उसको नेक्ड आई से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद में हमने वहाँ पे क्या देखा था, स्कैटरिंग। यहाँ पे अगर हम जो भी सस्पेंशन है वहाँ पे अगर हम बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे, तो पास करने के बाद ये पार्टिकल्स, जो भी ये सस्पेंशन है, इसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या, जो पाथ चेंज हो जाएगा यहाँ से, जो बीम ऑफ लाइट हम पास कर रहे हैं इसके ऊपर स्ट्राइक होने के बाद, जैसे सपोज ये सोल्यूशन है, इसके सस्पेंशन है, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स हैं, अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स हैं, तो जब ये लाइट यहाँ पे आएगा तो ये पार्टिकल्स के साथ में स्ट्राइक होने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो जिसकी वजह से सस्पेंशन के अंदर जो रेज पास हो रहे, जो लाइट पास हो रही है उसका पाथ विजिबल होगा, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट कैन बी ऑब्जर्व। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इसको हम अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखें तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे। अब पार्टिकल्स अगर सारे सेटल डाउन होंगे और यहाँ से हम रेज पाथ करें तो क्या होगा, यहाँ पे हमें स्कैटरिंग ऑब्जर्वेशन होगा नहीं। इफ सस्पेंशन इज अनडिस्टर्ब्ड देन द पार्टिकल्स विल बी सेटल डाउन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। वो इस वैसी कंडीशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में फर्दर नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, जब हम पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जा रहा है तो वहाँ पे अगर हम फिल्ट्रेशन करें तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, फिल्टर करने के बाद सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, रिमूव हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी हमने लिखा था
हेट्रोजीनियस मिक्सचर का डेफिनेशन क्या दिया था कि द पार्टिकल्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. तो यहाँ पे द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन. फिल्टर करने के थ्रू हम उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट सस्पेंशन. तो वापस से देख लेते एक बार, सस्पेंशन क्या होगा, दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स है, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स, उसमें से जो कंपोनेंट्स है उसमें से पहला कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स. जैसे हम सॉल्यूशन के केस में क्या लेते थे, सॉल्यूट लेते थे और सॉल्वेंट लेते थे. तो यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होगा और मीडियम होगा. सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्मॉलर अमाउंट में और जो मीडियम है वो मैक्सिमम अमाउंट में. फर्दर एग्जाम्पल लिया हमने सॉइल और वाटर का, तो सॉइल और वाटर आप मिक्स करते हो तो आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो. अगर उसको ऐसे ही रख दें हम थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में, तो सारे सॉइल के पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. और उसको फिल्टर करके करने के बाद सॉइल के पार्टिकल्स अलग और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग, सेपरेट कर सकते हैं उसको, ठीक. और उसके जो पार्टिकल्स की साइज होगी वो मोर देन 100 नैनोमीटर होगी, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगी, मतलब 10^-7 मीटर से मैक्सिमम होगी. तो जिसे हम नेक डाई से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. ओके, फर्दर हम बात करेंगे इसके बाद में कौन सा, सेकेंड टर्म, दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके, नोट करना होगा तो इसको नोट कर लेना, आप कर ही लेना नोट, ठीक है. अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन भी कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है, लेकिन जो पार्टिकल की साइज यहाँ पे हम सस्पेंशन में देख रहे थे कि सस्पेंशन में क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो जा रहा है ना, वहाँ पे वो सेटल डाउन होगा नहीं. ओके, एंड दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय नेक्ड आइज से हम उसको देख नहीं सकते हैं, किसमें, कोलाइडल के पार्टिकल्स को, ठीक है. चलो देख लो उसको भी. नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी कोलाइड्स के बारे में, कोलाइड्स बोलो या फिर इसको हम बोलो कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है. ओके, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो सम सिंपल, दैट इज अ, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और यहां पे द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डिस्पर्स्ड फेज होगा और दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम होगा, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, ये दो टर्म होंगे. ओके, तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज का मतलब क्या, फेज मतलब जैसे हम वहाँ पे सॉल्यूट बोलते थे तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज आएगा सॉल्यूट के लिए, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम अमाउंट में जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज. और जो वहाँ पे हम सॉल्यूशन के केस में, ट्रू सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट बोलते थे, यहाँ पे वो क्या बोलेंगे उसको, डिस्पर्सिंग मीडियम. तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा. एंड फॉर एग्जाम्पल मिल्क है ना, मिल्क, बाद में फेस क्रीम, फोम एट्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के, ठीक है. तो यहाँ पे मिल्क, फेस क्रीम, फोम, ये सब क्या है, इसके अंदर भी ये सॉल्यूशन फॉर्म है, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म है, लेकिन जो पार्टिकल की साइज होगी वो पार्टिकल की साइज
यहाँ पे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगी। एंड सपोज अगर हम मिल्क कंसिडर करें तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी होगा, वाटर के पार्टिकल्स भी होंगे। अब यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कंसिडर करेंगे वो सॉल्यूशन के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्स फेस वाले हर एक जगह प्रेजेंट होंगे, हर एक जगह प्रेजेंट होंगे। अब इसकी भी साइज़ कैसी है, इसकी साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे उससे बड़ी होगी, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स थे उससे क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि सस्पेंशन के केस में 100 नैनोमीटर से बड़ी होती है साइज ऑफ पार्टिकल्स की। और यहाँ पे अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को हम अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखें तो ये जो सारे पार्टिकल सस्पेंशन के केस में नीचे सेटल डाउन हो रहे थे यहाँ पे वो नीचे सेटल डाउन होते नहीं हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पार्टिकल्स है तो पार्टिकल क्या होंगे पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या करते होंगे, मूव करते हैं, वो नीचे सेटल डाउन होते नहीं हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्दर यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज़ के लिए डिस्कशन करें कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में कौन सी कंडीशन हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। सेकेंड, साइज ऑफ पार्टिकल्स, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, या फिर 10^-9 मीटर नैनो का मतलब, और 2 10^-7 मीटर इतने के बीच में होगा। थर्ड वन, साइज ऑफ पार्टिकल्स अगेन क्या होगी, छोटी होगी, जिसकी वजह से उसे हम नेक्ड आइज से ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। सो द पार्टिकल्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय नेक्ड आइज, नेक्ड आइज के थ्रू हम उसे हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, ओके। और यहाँ पे पार्टिकल्स भी सेटल डाउन होंगे नहीं। तो फोर्थ वन जो आएगा, अगर इसमें ये कंडीशन में अगर हम लाइट पास करें, बीम ऑफ लाइट पास करें तो क्या होगा, वो यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद में, यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद में स्कैटरिंग होगी, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व, ओके। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो होगा क्या कि जब हम बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो फर्दर वो सॉल्यूशन के अंदर, कोलाइडर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, वो विजिबल रहेगा, जिसकी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। फिफ्थ वन, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो भी पार्टिकल्स हैं उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज़ क्या है, छोटी है ना, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, और वहाँ पे क्या था, सस्पेंशन के केस में क्या था, पार्टिकल की साइज़ बड़ी थी, जिसकी वजह से उसे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू हम क्या कर सकते थे, सेपरेट आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे हम सेपरेशन करेंगे नहीं। लास्ट वन, इफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन remains undisturbed, then it cannot be
देन पार्टिकल्स कैन नॉट बी पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेटल डाउन, पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये सारी कंडीशंस यहाँ पे होंगी। हेटरोजीनियस मिक्सचर, साइज ऑफ पार्टिकल्स, बाद में नेक डाइस से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट, ये चार पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट है, चार पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हर एक कंडीशन में हमें मेंशन करना रहेगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्दर हमें रीड करना है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट के लिए हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट के केस में सिंपल, जब भी हम इफेक्ट, टिंडल जो है दैट इज़ अ नेम ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट दिस इफेक्ट इन द केस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन, जैसे होमोजीनियस हो या मिक्सचर या फिर हेटरोजीनियस मिक्सचर है, तो उसके अंदर जो भी ये स्कैटरिंग के ऊपर जिस साइंटिस्ट ने रीड किया उसका नेम टिंडल के नेम पर था, टिंडल है, तो वहाँ पे उन्होंने उस इफेक्ट को क्या बोल दिया, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट का मतलब व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू एनी सॉल्यूशन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स और द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन सॉल्यूशन, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। तो जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे और सस्पेंशन होगा, दे शो द टिंडल इफेक्ट। तो हम ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में। चलो देख लो आगे, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन के टाइप्स में देखे थे, तो टोटल तीन टाइप्स कंसीडर किए थे। तीन टाइप्स कौन से थे, पहला था सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा था लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा था गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, तो अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे, तीन टाइप्स आएगा उसमें। वैसे ही सेम यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो डिस्पर्स फेज जो सॉल्यूशन के केस में हम बोलते थे, सॉल्यूशन के केस में हम एक पार्टिकल बोलते थे सॉल्यूट और दूसरा बोलते थे सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो डिस्पर्स फेज और जो सॉल्वेंट की तरह होगा डिस्पर्सिंग मीडियम, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्पर्स फेज क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक। तो डिस्पर्स फेज मतलब जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट लिख दो, स्मॉलर में नहीं सूट हो रहा है ना, मिनिमम अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा उसे डिस्पर्स फेज, और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो मैक्सिमम अमाउंट। चलो देखो, पहला, अगर डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड हुआ और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हुआ, मतलब लिक्विड इन गैस, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जहाँ पे गैसेस के अंदर हम लिक्विड ऐड कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, दैट इज अ एरोसोल, एरोसोल एयर के अंदर लिक्विड, ठीक है। तो वहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एरोसोल। फॉर एग्जांपल, लिक्विड इन गैसेस, बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल हो और उसमें छोटा सा लिक्विड मॉलिक्यूल हो, तो फॉर एग्जांपल एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल, फॉग, फॉग आपने देखा होगा, मिस्ट, मिस्ट का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर, है ना। मॉइस्चर में क्या है, तो वाटर है ना, और गैसेस है, तो वाटर के पार्टिकल्स और गैसेस साथ में कंबाइन हो रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड इन गैसेस। तो लिक्विड इन गैसेस के लिए एग्जांपल क्या होगा, उसे कौन सा टाइप बोलेंगे, टाइप्स ऑफ कोलाइड, है ना, टाइप ऑफ कोलाइड्स या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोसोल। और उसमें एग्जांपल क्या है, फॉग है, क्लाउड्स है, मिस्ट है, ठीक। फर्दर, सॉलिड इन गैस, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड हुआ और डिस्पर्सिंग मीडियम कैसा हो, गैस, तो उसे उसको भी क्या बोलेंगे हम, एरोसोल। तो उसके लिए एग्जांपल कौन सा, स्मोक,
स्मोक मतलब जो धुआं निकलता है ना, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब जो व्हीकल के अंदर से धुआं निकलता है, तो वो क्या है, कार्बन लिबरेट करते हैं ना, तो कार्बन क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। कहाँ पे लिबरेट हो रहा है, तो गैसेस में लिबरेट हो रहा है, गैसेस एयर में हो रहा है, तो इसके लिए उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन गैस, तो उसे भी हम क्या बोलने वाले हैं, एरोसॉल। फर्दर उसमें एग्जाम्पल स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। फर्दर नेक्स्ट, डिस्पर्स फेज अगर गैसेस है और डिस्पर्सिंग मीडियम कैसा हो, लिक्विड, मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, गैसेस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैसेस, तो लिक्विड के अंदर गैसेस, तो ऐसा कौन सा एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो देट इज अ फोम, है ना। फोम का मतलब क्या, फोम का मतलब झाग, है ना, जैसे लेदर बोलते हैं अपने, तो वहाँ पे गैसेस इन लिक्विड जो भी होगा तो वहाँ पे फोम जनरेट होता है। जैसे सेविंग क्रीम है, तो सेविंग क्रीम कैसे करते हैं, जैसे उसमें वाटर हम ऐड करेंगे, सेविंग क्रीम जो है, जैसे हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो वो क्या फॉर्म होगा, फोम जैसा फॉर्म होगा ना, तो सेम दैट इज एग्जांपल ऑफ फोम। कोलाइडल सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, फोम, ठीक, तो उसमें एग्जांपल कौन सा, सेविंग क्रीम। फर्दर नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड, अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड हम मिक्स कर रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इमल्शन टाइप्स। कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप कौन सा होगा, इमल्शन बोलेंगे। इमल्शन का मतलब जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल एंड वाटर क्या है, वहाँ पे ऑयल इन वाटर, वाटर के अंदर ऑयल हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम इमल्शन के बारे में बोल सकते हैं कि जब हम ऑयल इन वाटर बोलेंगे तो यहाँ पे जो डिस्पर्स फेस होगा वो हमारा क्या होगा, ऑयल होगा, और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो हमारा क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। ऑयल इन वाटर अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर यही मैं बोलूँ वाटर इन ऑयल, मतलब ऑयल के अंदर हमें वाटर ऐड करना है, तो ये चेंज हो जाएगा, डिस्पर्स फेज हमारा क्या होगा, वाटर होगा, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा, ऑयल होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट के बेसिस पे आप फेज और मीडियम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इमल्शन बोलेंगे तो मिल्क है, फेस क्रीम है, ये सारे क्या है, मिल्क क्या है, मिल्क के अंदर क्या होगा, फैट्स होंगे, प्रोटीन्स होगा, और साथ में वहाँ पे क्या रहने वाला है, वाटर के पार्टिकल्स भी होंगे, तो दैट विल बी द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे। फर्दर सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड फेज है और लिक्विड क्या हो, डिस्पर्सिंग मीडियम, तो वहाँ पे उसे हम क्या बोलने वाले हैं, सोल, उसे हम कौन सा बोलेंगे, लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड होगा तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, सोल। तो फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने देखा होगा, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब अब जब भी हमें एसिडिटी का इश्यू होता है तो हम क्या करते हैं, वाइट कलर का कुछ सॉल्यूशन एक बॉटल में होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वहाँ पे कंटेंट्स देखना आप, जो दवा देते हैं वो होता है, तो उस वहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स हम देख सकते हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड, या फिर आप बोल दो मड, मड का मतलब क्या, कीचड़, है ना, जैसे रास्ते पे अगर बारिश हो रही है तो क्या होता है, बहुत सारा कीचड़ होता है, तो वहाँ पे सॉलिड के, सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो वो क्या हो गया, दैट इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोल बोलेंगे, ठीक है। फर्दर गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस, तो सॉलिड के अंदर गैस कैसा होगा, तो आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज का मतलब जो अपने बेड पे लगा होता है, अपने बैठते हैं तो कैसा होता है, वो प्रेस होता है ना स्पंज, तो स्पंज कैसा है, सॉलिड है, उसके अंदर एयर फिलअप होता है, तो वो एयर क्या होता है, रिलीज होता है, जैसे हम बैठ रहे हैं सोफे के ऊपर बैठ रहे हैं, तो सोफा क्या होता है, वहाँ पे दब जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, एयर फिलअप होती है, एयर फिलअप होती है, और वो पूरा कैसा होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ फोम, उसे भी फोम बोलेंगे। तो या फिर ये दोनों जो गैसेस इन सॉलिड है और सॉलिड इन गैसेस है, दोनों कौन से, सॉरी गैस इन लिक्विड और गैस इन सॉलिड, दोनों का क्या है, फोम है, दोनों को हम क्या बोलने वाले हैं, फोम बोलने वाले हैं। तो वहाँ पे वो एग्जांपल कौन सा, फोम, रबर, स्पॉन्ज और प्यूमिस। ये प्यूमिस क्या होता है, ये प्यूमिस स्टोन होता है। अब स्टोन के, स्टोन का मतलब क्या, स्टोन कैसा होगा, सॉलिड होगा, उसके अंदर एयर फिलअप होता है, तो वो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बहुत सारे स्टोन ऐसे होते हैं, बहुत प्रीशियस होता है, उसके अंदर एयर फिलअप होते हैं, एयर जैसा दिखता है वो, उसके अंदर एयर फिलअप होता है और पूरा स्टोन एकदम हार्ड होता है, तो दैट इज़ अ गैसेस इन सॉलिड। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड फेज होगा और सॉलिड क्या होगा हमारा, मीडियम, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, जेल। आपने जेल देखा होगा, जेल मतलब जेली,
है ना, जेल ही देखा होगा, बाद में वो जेल क्रीम आता है जो हेयर में हम लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दैट इज़ अ लिक्विड इन सॉलिड, जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जेली है, सपने खाया होगा, टेस्ट किया होगा उसका, तो जेली को अगर हम बाहर रख दें तो उसके अंदर से लिक्विड क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, इवेपोरेट्स हो जाएगा, है ना, और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बचने वाला है। तो उसमें एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, जेली है, चीज़ है, बटर है, ये सारे किसके एग्जांपल होंगे, दैट इज ऑफ जेल। एंड द लास्ट वन इज सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। अब सॉलिड सॉलिड अगर मिक्सचर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल बोलेंगे। सॉलिड सोल में क्या आएगा, दोनों सॉलिड का मिक्सचर हो, तो जेम स्टोन मतलब वो अपने बोलते हैं ना कि आपके ऊपर ये ग्रह चल रहा है, ये प्लैनेट का असर हो रहा है आपके ऊपर, तो आप ये रिंग पहनो, उसके अंदर पन्ना है और ये सब बोलते हैं कि वो डालो रिंग के अंदर और उसको पहनो, तो वो जेम स्टोन्स जो पत्थर हम पहनते हैं ना, वो जेम स्टोन्स, तो वो क्या है, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। और दूसरा कलर्ड जेम स्टोन और मिल्की ग्लास, मिल्की ग्लास मतलब जो ग्लास फॉर्म होता है वो भी किसका है, दैट इज़ अ सॉलिड एंड सॉलिड के मिक्सचर। तो टोटल हमारे पास में इतने टाइप्स हैं। अब ये जो है वो थोड़ा आप याद रखो कि कौन सा मिक्सचर होगा, कौन सा फेज और कौन सा मीडियम है, तो क्या होने वाला है, कौन सा बोलेंगे, एरोसोल होगा, सोल होगा, जेल होगा, इमल्शन होगा, या फिर सॉलिड सोल है, ठीक, तो वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में, थोड़ा टिंडल इफेक्ट देखेंगे और जितने भी मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर्स जो भी है, उसको सेपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसका सेपरेशन मेथड क्या होगा। तो हर एक बहुत सारे मेथड्स हैं, टोटल 10 जितने मेथड्स हैं, वो 10 मेथड्स वन बाय वन हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।